ई सामग्री निर्माण प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि जियोजेब्रा टूल्स की सहायता से हम कैसे क्रिएटिंग एनिमेटेड फैन इमेज का निर्माण करेंगे और उसको रोटेट भी कराएंगे। हाउ टू क्रिएट फैन फिगर बाय यूजिंग एनिमेशन। तो आज हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक ऐसी फिगर बनाएंगे जो फैन की तरह होगी और हम उसको एनिमेशन देके उसको रोटेट करके यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो आपने देखा कि हमारा ये ग्राफिक व्यू है और ये एलजेब्रा व्यू है। हम ग्राफिक व्यू में रोटेटिंग फैन जो पंखा होता है चलता हुआ वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्लाइडर की आवश्यकता होगी। तो स्लाइडर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी नेम आ रखा है नेम। तो ये नंबर हमने यहाँ पे लेना है। यहाँ पे एंगल है और इंटीजर है तो हम नंबर लेंगे। -5 दे रखा है तो हम इसको यहाँ पर 0 कर लेंगे। तो 0 से लेके 5 तक ये एनिमेशन यहाँ पर आएगी स्लाइडर में और हम इसको ओके कर लेंगे। आपने देखा कि ये हमारे स्लाइडर बन गया। अब हम इसको ड्रैग करके यहाँ पर इसको रख देंगे। अब हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे। तो पॉइंट लेकर हम यहाँ पे उसको क्लिक कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, क्लिक कर दिया। अब हम इस पॉइंट पर एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल टूल है। तो सर्कल सेंटर रेडियस, तो यहाँ पे हम इस वाले को ले लेंगे और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर ये, तो ये पूछेगा कि सर्कल सेंटर रेडियस क्या देना चाहते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे a डिफाइन करा है, a इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर a लेंगे, स्मॉल a आ जाएगा, रेडियस a, और इसको हम ओके कर देंगे। तो आपने देखा कि हमारा एक ये सर्कल यहाँ पर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्लाइडर टूल और लेंगे यहाँ पर और स्लाइडर को हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम स्लाइडर को, यहाँ पे जो हम स्लाइडर दूसरे स्लाइडर का इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले में हमने नंबर इस्तेमाल किया था, अब हम एंगल इस्तेमाल करेंगे। तो एंगल को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो अल्फा यहाँ पे 45 दिया हुआ था इसको हम चेंज करके अपनी तरफ से कोई नेम दे देंगे। हमने इसको बी नेम दे दिया। पहले वाले स्लाइडर को ए तो दूसरे वाले को बी दे दिया। एंगल ये 360 तक घूमेगा और इंक्रीमेंट एक एक करके ये आगे बढ़ेगा। तो इसको हम ओके कर देंगे। तो आपने देखा कि हमारा एक स्लाइडर यहाँ पे बन गया है। इसको भी हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं, हम यहाँ पे उसको रख देते हैं। अब हम यहाँ पर फैन बनाएंगे। तो फैन बनाने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे सर्किल है इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो आप देखेंगे कि ये हमारा सर्किल पहले वाले स्लाइडर से बड़ा और छोटा बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक डॉट लेते हैं, यहाँ से हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हम उस पॉइंट को फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, एंगल विद गिवन साइज लेंगे, इसको क्लिक करेंगे और पहले डॉट को सेलेक्ट करके दूसरे को क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि एंगल 45 का देना है, तो हम इसको 45 ना देके हम यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है बी एंगल, तो हम यहाँ पे उसको बी रखेंगे ये, और ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो आपने देखा कि 45 डिग्री का हमारा एक एंगल बना और ये पॉइंट आ गया। अब हम इस पॉइंट पे फिर एक एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो उसके लिए हमारा ये हाइलाइटेड हो ही रखा है टूल, इसको हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे।
फिर इस वाले पॉइंट को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 45 डिग्री आ रहा है, हम इसको 90 कर लेंगे। तो 90 करके हम इसको ओके करेंगे, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो ये एंगल हमारा 90 बना, पहला वाला हमारा 45, फिर हमें यहाँ से 90 बना लिया। अब हमें फिर 90 एंगल की ज़रूरत है, तो हम इसको फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये 90 आ रहा है डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो आपने देखा एक पॉइंट हमारे को यहाँ पे प्राप्त हो गया। आगे एक पॉइंट की और आवश्यकता हमें, तो हम इसको दोबारा फिर आगे बनाते हैं। तो हमारा ये पहले सेलेक्ट हो ही रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और फिर इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसी को हम दोबारा बनाएंगे, तो ओके कर देंगे, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं क्या हमें चारों पॉइंट प्राप्त हो गए हैं। अब जो हमें फैन बनाना, हम इसी के अंदर बनाएंगे, और जो ये फालतू चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं हम इसको धीरे धीरे हटा लेंगे। तो हमें अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की आवश्यकता नहीं है, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और एक्सिस हटा देंगे। उसके बाद जो ये हमारे पास जो ग्रिड दिख रहा है इसको भी हम हटा लेते हैं, इसको क्लिक करके नो ग्रिड कर लेंगे। उसके बाद ये जो बीच में पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको भी हम सब धीरे धीरे हटा लेते हैं, सो ऑब्जेक्ट में इसको हटाएंगे, इस प्रकार धीरे धीरे हम सबको हटा देते हैं। तो इस पॉइंट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है। सो लेवल, इसको हम लेवल हटा देते हैं, यहाँ पे है, सो लेवल। तो आप देख रहे हैं कि हमने धीरे धीरे ये सारे पॉइंट हटा दिए हैं। अब आपने देखा कि हमने सारे लेबल हटा दिए गए हैं, और अब हम लाइन सेगमेंट में जाकर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम पहले पॉइंट से लेकर यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसमें फिर हमारे पास यहाँ पे दो जी और एफ है आ रखे हैं, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे जी और एफ आ रखा है, इसको हम हटा देंगे अभी यहाँ से। और जी को भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो आपने देखा कि अब हमारे पास ये एक प्रकार का सर्कल और ये सेगमेंट हमने बना लिए। अब इसमें हाफ सर्कल की मदद से हम फैन बनाएंगे, तो हम इसमें फिर सर्कल टूल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये पहला फैन बन गया। फिर यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, दूसरा फैन बन गया। फिर यहाँ से इधर क्लिक करेंगे आप, तो तीसरा फैन बन गया। यहाँ से आप इधर क्लिक करेंगे तो ये चौथा फैन बन गया। तो आपने देखा कि हमने चार फैन बना दिए। तो इसमें जो लेवल है ये जो आ रहे हैं दोबारा, इनको हम फिर हटा देते हैं, इस प्रकार ये हमने हटाया, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पास एक फैन का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम इसको फॉर्मेटिंग करेंगे, इसमें कलर से इसको सुंदर बनाएंगे। तो जो ये कर्व सेव है इस पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसको सेटिंग जाएंगे, सेटिंग में जाके हम कलर ऑप्शन चुनेंगे। तो जैसे हमें ये बहुत सारे कलर है, कोई भी कलर ले सकते हैं, तो हमने रेड कलर ले लिया, और यहाँ से ओपोसिटी इसकी हम बढ़ाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर कम ज़्यादा यहाँ से हो रहा है, तो हमने इसको रेड कलर ले लिया। इसके बाद हम इसके अपोजिट ये वाले को भी रेड ले लेते हैं, इसको भी हमने रेड ले लिया, और इसको भी हमने ओपेसिटी इसकी बढ़ा दी। इसके बाद अब इस वाले को लेते हैं, इसको हम डार्क ब्लू कलर ले लेते हैं, और इसको भी हम ओपेसिटी बढ़ा देते हैं।
इसके बाद इसको भी हम डार्क ब्लू ले लेते हैं, इसकी भी ओपेसिटी हम यहाँ बढ़ा देते हैं। तो आपने देखा कि हमारा ये एक फैन तैयार हो गया। अब हम एनिमेशन चला के देखते हैं कि हमारा फैन रोटेट हो रहा है कि नहीं। तो पहला एनिमेशन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एनिमेशन है। तो आप देखेंगे पहले वाले एनिमेशन में ये बड़ा और छोटा होता जाएगा, स्मॉल और लार्ज होता जाएगा। अब दूसरा एनिमेशन हम यहाँ से जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होगा। इसको जैसे एनिमेशन देंगे हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये घूमना शुरू हो जाएगा फैन। ये देखिए आप, तो ये फैन यहाँ पे घूम रहा है। इसको हम फिर यहाँ पे स्टॉप करेंगे और इसको भी स्टॉप करेंगे यहाँ से। तो इसमें आप जो सर्कल यहाँ पे हमने बनाया इसको भी हम हटा सकते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको सो ऑब्जेक्ट हटा देंगे, और ये जो पॉइंट हैं और इसमें जो ये लाइंस हैं इनको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें जो डॉट हैं इनको हटाएंगे पहले, ये फिर दूसरा डॉट हम हटाते हैं, फिर तीसरा डॉट, फिर यहाँ पे चौथा डॉट हम यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद हम चाहे तो ये लाइन भी हटा सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके इस प्रकार हटा देंगे लाइन। तो आपने देखा कि बहुत शानदार हमारा फैन बन गया। अब हम इसको यहाँ से रोटेट करके देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये इतना शानदार हमारी जो फिगर है फैन फिगर, ये यहाँ पे रोटेट हो रही है। और इसको भी हम एनिमेशन दे देते हैं यहाँ से। तो अब ये देखिए कि ये दो एनिमेशन एक साथ इसमें काम कर रही है, एक रोटेशन वाली काम कर रही है और एक लार्ज और स्मॉल वाली काम कर रही है, कि फैन घूमते घूमते पीछे जा रहा है और फिर घूमते घूमते आगे आ रहा है। और इसको और हम इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। तो इसमें हम जैसे यहाँ पर इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं और इसको भी यहाँ से हम स्टॉप कर देते हैं। और अगर हमें यहाँ से क्लिक करेंगे इसकी स्पीड, अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, स्लो है फास्ट करना चाहते हैं, तो सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी पूरी सेटिंग दी हुई है, स्पीड एक है। अगर हम स्पीड को 10 करते हैं तो उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क आता है। तो इसको यहाँ से क्लिक करके अब इसको एनिमेशन देते हैं यहाँ से। तो आप ये देखिए कितनी फास्ट कर रहा है। तो ऐसे आप इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कई प्रकार की फॉर्मेटिंग आप इसको कर सकते हैं, कस्टमाइज भी इसको कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से स्टॉप करते हैं और फिर हम दोबारा इसी पे जो आपका एनिमेशन या टूल बार बोल सकते हैं हम इसको, स्लाइडर बार, इसको सेटिंग में जाकर इसकी जो स्पीड है इसको हम फिर एक करेंगे। तो उसके बाद स्पीड अब वही की वही आएगी जो हमने पहले निर्धारित कर रखी थी। ये देखिए, तो आपने देखा कि जियोजेब्रा टूल एक डायनेमिक टूल है जिसमें आप कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।